Hello students and educators from around the world. Welcome to the my training Microsoft Word Basic 20 Material Level. सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने स्टोर किया है, जिसके अंदर मैं कुछ मुल्कों के नाम लेना चाहूँगा, जिसके अंदर USA है, कीनी है, इसके अलावा हमारे पास इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है, इराक है, तुर्की है, हमारे पास इटली है. ये चंद ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने हमें रजिस्टर करवाया बाहर से और वो ये चाहते हैं कि ये ट्रेन करें. अच्छा, अब एक मसला भी आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी क्राउड तो ऑब्वियसली है बहुत ज़्यादा कि जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है, तो अब इंटरनेशनल यूज़र्स को भी हमें फैसिलिटेट करना है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में वीडियो बना के उनको भी सेंड कर देंगे ताकि वो इस ट्रेनिंग से भरपूर फ़ायदा उठा सकें. ट्रेनिंग का जो मोटो है वो ये कि फ्रॉम द स्क्रैच से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक, अगर आपने ट्रेनिंग कर ली तो आप एक स्क्रैच लेवल से लेकर बिजनेस लेवल तक ऊपर तमाम चीज़ों को जो है ना वो कंस्ट्रक्ट जो है ना वो आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हटा के. एक तो लिस्टिंग के हवाले से वो भी इतनी नेसेसरी नहीं है, अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वहाँ ज़रूरी होती है. ये क्या ज़रूरी है, क्या है, किस वक्त क्या बनाना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में क्या काम होता है, ये चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ना वो देखते रहेंगे. आपको ट्रेनिंग का आगाज़ हम करवाते हैं और इसके अंदर हम ये बता दें कि ट्रेनिंग को कैसे पढ़ना है, कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स आपको लेने हैं और क्या क्या चीज़ें टास्क हैं, क्या क्या करना है. अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ये मेरी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं. दो डिफरेंस बता देता हूँ कि कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो आम पब्लिक है जो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग रजिस्टर करवाएं जिन्होंने मेरे पास, अगर वो चाहते हैं कि सर्टिफाइड हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको थोड़ी देर में देखते हैं. हम नीचे स्क्रॉल करते हैं. काफ़ी जिन्होंने मुझे रजिस्टर कराया ऑब्वियसली मुझे जानते हैं और उन्होंने बताया भी कहाँ कहाँ से सर्च करके उन्होंने देखा है ये ऐड और कहाँ से उन्होंने मुझे फाइंड करा है. नॉर्मली लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा भी देता हूँ. आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अल शफीक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और मेनली जो है वो हम एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट की और गूगल और सिस्को की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं. ये हमारा ट्रेडमार्क है. माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर हम ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की माइक्रोसॉफ्ट एडोबी ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन भी या किसी भी तरीके से आप इन हाउस करवाना चाहें. सेकेंडली, फिर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग से मुझे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से भी जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो मुझे जानते हैं वो डिज़ाइनर के हिसाब से भी जानते हैं. इस फील्ड में मुझे आए हुए 99 से मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी पढ़ा रहा हूँ और एडोबी के प्रोडक्ट्स को भी पढ़ा रहा हूँ. तो इतना लंबा अरसा हो गया पढ़ाते हुए, इसके साथ साथ जब मैंने यहाँ पर काम करा तो काम करने के साथ साथ जो है मैं सर्टिफिकेशन की तरफ मैं गया. तो सर्टिफिकेशन पे अक्सर लोग मुझसे पूछे होते हैं, एक लंबा लेक्चर है, इस वीडियो से बियॉन्ड हो जाएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं, वो क्या हैं, जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो क्या हैं तो हम बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी हमारा ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत ब्रीफली बताऊँ. अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर जाके आप सारी चीज़ें जो है ना वो आप दे सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये लर्निंग जर्नल है. आप इसको स्क्रॉल करें तो उसके अंदर ही तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. इनको स्क्रॉल बारी बारी करते हैं और देखते हैं कि आप क्या क्या गेट करेंगे इस ट्रेनिंग के साथ. तो सबसे पहले तो ये कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग करें, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ. जैसे आपने आप ये क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर जो आपको मिलेगा, तो होगा क्या, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि इस लिंक से वाबस्ता जो भी वेब एप्लीकेशन है वो खुल जाएंगी और वहाँ पे जाके आप देख सकेंगे. थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग जो हम करवा रहे होते हैं, ये मैं अभी से नहीं, मैं बहुत सालों से करवा रहा हूँ. 2010 से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में मैं बिज़ी हूँ. अगर आप ये देखें तो ये पूरे ब्रोशर्स, जो खुद मैं डिज़ाइनर भी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद डिज़ाइन भी कर लेता हूँ. इसके अलावा ऑफिस 2019 की सर्टिफिकेशन, मॉस की ऑफिस 65 की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में ब्रोशर्स बने हुए हैं, आप उन सबको देख सकते हैं. उसके अलावा हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप, ये है इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है. अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्टर करवाया और काफ़ी सारे लोग से वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पर आएंगे या जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो मेरी वीडियो को ऑनलाइन देख लेंगे. लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया तो वो किसी मकसद से कराया, ऐसी बात है कि वो चाहते हैं कि सर्टिफाइड हो हमारे साथ, ठीक है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप वीडियो ना देखें सिर्फ,
बल्कि आप सिर्फ हमारे पास सर्टिफाइड हों, और आपको सर्टिफाइड होने के बाद जो है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमारी कंपनी की तरफ से मिले। और इस सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी बात ये कि आप ऑथराइज सेंटर से पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हूँ मैं, उससे भी आप पढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर कोड अलाउड होगा, जो कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं कि आप जो है रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, ठीक है, या कोई भी इंटरनेशनली आपको चेक कर सकता है। ओके, तो उसके स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला गेट रजिस्टर्ड। अच्छा, जो लोग ने रजिस्टर्ड नहीं कराया, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो, हर वीडियो में रजिस्टर्ड का लिंक लिखा होगा, तो एनी टाइम आप जाकर रजिस्टर जो है ना वो आप करवा सकते हैं। तो पहला काम तो ये कि आपको रजिस्टर करना है। सेकेंड काम, सारी वीडियोस को आपको देखना है। जैसी बात, अगर आप वीडियोस पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि ये सारे स्टेप्स के बाद, ये मेन स्टेप के बाद, जो उसके बाद थर्ड स्टेप है वो है कंप्लीट असेसमेंट। असेसमेंट्स होंगे हमारे पास, ट्रेनिंग की आउटलाइन अभी मैं दिखाता हूँ। हर सेशन, 5 सेशन है हमारे पास, हर सेशंस के एंड में असेसमेंट्स होंगे। आपको वो असेसमेंट पास करने, ठीक है, और आप दोबारा भी दे सकते हैं। जो जो एग्ज़ाम देगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, हम बता भी दिया करेंगे ईमेल में कि आप इसमें फेल हो गए, दोबारा दीजिए। इसके अलावा असाइनमेंट्स मिलेंगे। सारी वीडियोस की ट्रेनिंग देने के बाद मैं असाइनमेंट की वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कुछ असाइनमेंट्स कराऊंगा और आप कुछ फाइल्स दूंगा, तो वो आप दीजिएगा। इसके अलावा सबमिटिंग करनी है आपको, इन शॉर्ट के असाइनमेंट्स की कहाँ करनी है वो सब अभी हम बताते हैं आपको। फिर इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप हमारी जो है ना मोटिवेट करें, आप हमें बताएं कि क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि अच्छी हो ट्रेनिंग के अंदर। ये हमारे लिए सबसे वैल्यूबल स्टेप है कि हमें फीडबैक ट्रेनिंग का ज़रूर दीजिएगा कि आपने हमारी ट्रेनिंग को कैसे पाया। तो ये 5 स्टेप्स हैं, जो लोग सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो उनके लिए है ये स्टेप्स। नेक्स्टली हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ आगे जाते हैं। ये प्रोमो मैंने लॉन्च कर दिया था यूट्यूब के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। उसके नवीन ने बताया है कि हम क्या क्या काम करेंगे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अब हम जो है ना वो बेसिकली पूरी आउटलाइन आपके साथ शेयर करते हैं। और 5 आउटलाइंस जो थी वो हमने आपको बताई थी मेन मेन पार्ट, लेकिन उसकी सब डिविजन्स हम आज आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँगा तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन द ट्रेनिंग सोर्स फाइल बटन बिलो द व्यू एंड डाउनलोड फाइल विच वी विल बी यूजिंग इन दिस ट्रेनिंग। तो अगर मैं इसको न्यू टैब में खोलूँ तो होगा क्या कि ये मैंने अपनी वन ड्राइव शेयर करी हुई है आप लोग के साथ। इसके अंदर वो तमाम फोल्डर, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो कि अपडेट भी होते रहेंगे ट्रेनिंग के साथ साथ, वो आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको डाउनलोड करें, और जो जो वीडियो मैं इस्तेमाल करूँगा, टेम्पलेट या एनी टाइप ऑफ पिक्चर्स, उसको उस पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सोर्स फाइल्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग वीडियोज़ में जो मैं कर रहा हूँगा। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ इन ऑफिस, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, तो इसके अंदर ज़रूरत, ये काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं सर उसके शॉर्टकट बताएं बताएं, तो भाई ये तमाम शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे इसमें डाल लिए हैं आपके पास। और इसके अंदर वर्ड नहीं बल्कि सभी के हमारे पास कलेक्शन यहाँ पे दी हुई है, आप जाके सारी चीज़ों को चेक करके दे सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की कलेक्शन है, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट याद करने से नहीं, इस्तेमाल करने से होता है, काम में इस्तेमाल से लेके आइए, ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पास। उसके बाद ये हमारे सेशन है, नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड। उसके अंदर हमारे पास जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोर्स, फिर ट्यूरिंग इंटरफेस, नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट, फिर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट हमारा दूसरा सेशन होगा। थर्ड सेशन जो होगा हमारा एडिटिंग फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट का होगा, और फिर वर्किंग विद ग्राफिकल एलिमेंट्स, कॉलिब्रेशन इन डॉक्यूमेंट, वर्किंग विद रेफरेंस, ये सारी चीज़ होंगी। और अगर आप गौर से चेक कीजिएगा, ये लिंक आपके साथ शेयर किया गया है, ठीक है, और हर वीडियो में भी लिखा हुआ होगा ये लिंक। तो अगर आप ये देखें इसको गौर से, तो ये पहला सेशन, इसके बाद असिस्टमेंट है। जैसे जैसे असिस्टमेंट अलाउट होते रहेंगे ये एक्टिव हो जाएंगे। अभी तो इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर फेसबुक का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 जो है ना आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सेशंस हैं हमारे पास। इन शॉर्ट के ये वो ट्रेनिंग हैं कि जो हमें करनी है, ये टॉपिक्स। बाकी इसके साथ जो रिसोर्सेज फाइल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता दी हैं।
इसके अलावा अगर आप इसको नीचे आए तो असाइनमेंट सबमिशन बता रहा है कि आपको असाइनमेंट क्या करना है आफ्टर वॉचिंग वीडियोस मेक द प्रोजेक्ट, जो भी यहाँ पे अच्छा वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और वीडियो अपलोड करने के बाद उस वीडियो को देखिएगा और फिर आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा हमारे पास लास्टली जो है ना वो हमें ट्रेनिंग फीडबैक जो है ना वो प्रोवाइड करना है। तो मैं न्यू विंडो में इसको खोलता हूँ, तो आप ट्रेनिंग फीडबैक हमें प्रोवाइड कीजिएगा जब आप ये सारी ट्रेनिंग कर लें और आपने सारे जो है ना असाइनमेंट्स असिस्टेंट्स कर ली हो, ठीक है। तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास के सर्टिफाइड होने के लिए उनको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्टर करें, ट्रेनिंग वीडियो को वॉच करें, असिस्टमेंट सारे 5 असिस्टमेंट्स हैं उनको पूरा कीजिए, असाइनमेंट्स ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दीजिए हमारे और ट्रेनिंग फीडबैक दे दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि एक लर्निंग जर्नल है, इस लिंक के अंदर सब कुछ मौजूद है, ठीक है। आपको पास सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि एक लिंक भी सेंड करा जाएगा जिसके अंदर यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, अगर आप इसको देखें तो हम जो ट्रेनिंग करवाते रहेंगे और साथ साथ रोज़ाना या 2 दिन के बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे वो सारी जो लिस्ट है वो हमने आपके साथ शेयर करी है। तो और वो सारी लिस्ट की जो वीडियोस हैं वो लेक्चर वाइज हम क्या करा करेंगे, ये एक लर्निंग जर्नल का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जैसे ये इंट्रो वीडियो मैंने बनाई थी, इंट्रो वीडियो शेयर कर दी, अब उसके बाद जो भी वीडियोस आप यहाँ पे लेकर आऊँगा मैं यहाँ पे, वो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिंक्स यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा, तो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको आसानी क्या होगी, आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपको वीडियो पढ़नी है, इसकी इसकी तो आप क्लिक करके उस वीडियो को जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इंट्रोडक्शन टू कोर्स की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो उस कोर्स की ट्रेनिंग के बाद जो है ना वो सारी चीज़ें जो वीडियोस होंगी वो मैं अपलोड तो कर दूंगा, उसके बाद उसका लिंक यहाँ सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ते रहें। अच्छा, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आ रही हैं कि हमारे पास कि अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे तो हम बेसिकली टॉपिक पढ़ेंगे कि ट्यूटोरियल इंटरफेस एंड वर्ड ऑप्शन। ऑफिस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें भी और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऑफिस के मुख्तलिफ किस्म के वर्जन होते हैं, ठीक है। ऑफिस के अगर आप ये देखें तो ऑफिस डेस्कटॉप वर्जन जो कि अभी मैंने खोला हुआ डेस्कटॉप वर्जन, दिस इज़ डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। ऑफिस डेस्कटॉप वर्जन जो कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल है, नंबर वन। उसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों पे आ जाएं तो आपका ऑफिस ऑनलाइन जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी आईडी आउटलुक या हॉटमेल वहाँ से भी जाके आप खोल सकते हैं। और ये वेब है कि वेब पेसिस होगा, ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं हमारे पास जो हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपके पास डेस्कटॉप। और ये जो ऑफिस वेब एप्लीकेशन है आपके पास OWA, इसको आप जो है वेब पे तो देख रहे हैं, यहाँ पे आप मोबाइल के ऊपर भी इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की स्पेशल ऑफिस जो है आपके पास ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो हमारे पास है। अगर आप ऑफिस 65 के सब्सक्रिप्शन आपके पास है या माइक्रोसॉफ्ट 65 की सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो आप ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफिस 65 के साथ बहुत सारी एप्स आ जाती हैं, बहुत एप्लीकेशन आ जाती हैं, फिर इंस्टॉल ऑफिस का ऑप्शन मिलता है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 65 प्रो प्लस, ऑफिस 65 प्रो प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर भी फ्री, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, ये बेसिकली पहले मंथ तो फ्री है उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ता है। काफ़ी से लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई ऑफिस 65 क्या है, ऑफिस 65 हमारे वैसे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑफिस को आप एक्सेस कर सकते हैं, वर्ड है जैसे, तो वर्ड ऑनलाइन भी है, वर्ड डेस्कटॉप भी है, वर्ड का मोबाइल पे भी आपने डाउनलोड कर लिया और इसके अलावा आप वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस 65 प्रो प्लस है उसमें एडवांस फीचर होते हैं, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। जब भी मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट से एक चीज़ को परचेज करते हैं मंथली या ईयरली पर्पज़ के लिए, जब आप एक चीज़ को परचेज करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो आपके पास अगर आप जाके चेक करें तो माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं ऑफिस 65 के, माइक्रोसॉफ्ट 365 के, उनको चेक कीजिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन लेवल पे, बिजनेस पे, इंटरप्राइजेस का, उसके हवाले से आप ऑफिस की प्रोडक्ट को लीजिए। और आपके लिए आगे की चीज़ बता दूं क्योंकि ऑफिस की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, ऑफिस 65 जो है ना वो नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है, वो चीज़ें जो आपको नॉर्मल ऑफिस पे नहीं मिलती हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि ऑफिस 65 के ना एडवांस चीज़ें होती हैं
और जो भी चीज़ ऑफिस में नई नई आती हैं, नए ऑप्शंस होते हैं ऑफिस 65 के, वो ऑफिस 65 के सब्सक्राइबर को मिलते हैं। बहुत सारे लोग क्रैक कर लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं होते। जब तक आप डेटाबेस पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो होती है वो एक्टिव नहीं होती है। वैसे आप क्रैक करके कर लेते हैं लेकिन उससे अपडेट नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये मेरे, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारा फोकस जो है वो बेसिकली किसके ऊपर होगा, डेस्कटॉप पे होगा। कमिंग बैक टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वर्ड को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वर्ड को अक्सर बोलते हैं कि वर्ड प्रोसेसर है, कि भाई एक वर्ड लिखा आपने, उसको टाइप कर लिया, वर्ड प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास जो, ठीक है। वर्ड को जब से 97 में वर्ड के अंदर रिबन्स वगैरह नए ऑप्शंस आए थे, तो हमने वर्ड को पेज लोडिंग सॉफ्टवेयर कहना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब भी वर्ड को, अगर मैं बात करूँ 2000 की, ख़ास तौर पे 2000 तक की, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको, बल्कि पढ़ाने वाले टीचर्स को मैंने देखा तो बोलते लेटर एप्लीकेशन के नहीं इस्तेमाल होते हैं, लिस्टें बना लो, ये कर लो। नहीं, दुनिया चेंज हो गई है, कंटेंट क्रिएशन का दौर है। आप एक सीवी बना रहे हैं, आपके सामने ये रेज्यूम है, तो रेज्यूम अभी आपके पास आप नहीं बना रहे, आपके पास टेम्पलेट है, या माइक्रोसॉफ्ट के टेम्पलेट हैं, ठीक है, सीवी टेम्पलेट, रेज्यूम, आपने टेम्पलेट को डाउनलोड किया, एडिट करा, बना लिया। तो कंटेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं हमें वो डिज़ाइन करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ये एक सीवी है, रेज्यूम है, तो इसके ऊपर पिक्चर, शेप्स, फॉन्ट्स, आप जहाँ भी जाके देख लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट में, इन सब का अमल दखल है, इमेज का, ये सारी चीज़ों का, टेबल्स का, ग्राफ का, इस टाइप की चीज़ों का। तो रेज्यूमो भी ना, आप देख लो रेज्यूम जो है ना, वो वाली नहीं है कि सिंपल लाइन है, वो दली है। तो यू कैन डू एवरीथिंग, पेज लोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सब बना सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी शो करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके मेरे पास और डॉक्यूमेंट खुले में, तो मैं सेकेंड डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट करता हूँ। सो ये एक फॉर्म है हमारे पास, तो फॉर्म बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फॉर्म्स में टेबल्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो टेबल्स को भी हम चेक करेंगे, टेबल्स कैसे काम करते हैं बहुत अच्छे वे में, ठीक है। इसके अलावा हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं किसी भी किस्म की कोई भी लेआउटिंग करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर हमने बनाया हुआ। अब ये ग्राफिकल एलिमेंट्स, मतलब मैं फोटोशॉप में जरूरत नहीं है, अगर मुझे सिर्फ इमेजेस पे काम करना है, मेरी इमेज बहुत अच्छे हैं, तो यकीन कीजिए मैं फोटोशॉप को तकरीबन, तो आपके समझ लीजिए प्रोफेशनली वाइज 2000 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं नए फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के देखता हूँ, तो यकीन कीजिए बहुत आसानी से मैं ब्रोशर बना सकता हूँ, ख़ास तौर पर टाइपोग्राफी में काम करने में जब बहुत आसानी होती है वर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर हम दोबारा आ जाते हैं, तो ये देखिए इसमें भी शेप्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं। इट्स ऑल अबाउट लेआउटिंग, कि आप लेआउटिंग क्या बना रहे हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ हमारे पास, हम आ जाते हैं, तो ब्रोशर्स, लेआउट, फ्लायर्स वगैरह, इवेंट्स की चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल बनाना है आपको, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। और अगेन वही शेप्स, इमेजेस, टेक्स, वर्ड नहीं बताएगा आपको कि क्या करना है भाई, ऐसा ये आपको आइडिया लेके आना है, टेम्पलेट से आइडिया मिलता है, लोगों काम देखिए, ऑब्जर्व करना सीखिए। मैं डिज़ाइनिंग को पढ़ाते वक्त भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई ऑब्जर्व करो, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। उसके अलावा हम और भी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, तो एक प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस प्लान बना हुआ है, जो कि 19 पेज पे बना हुआ है, ठीक है। ऑल अबाउट इमेजेस, TOC, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल टेक्स्ट, हेडिंग्स का स्टाइल देख लीजिए आप, लाइन स्पेसिंग्स देख लीजिए, बुलेट्स देख लीजिए, सॉरी नंबरिंग देख लीजिए आप, इस टाइप की चीज़ें। तो ये आप देखिएगा बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है। दुनिया में जो इस वक्त डिज़ाइनिंग हो रही है, चाहे आप ग्राफिकल पे काम कर रहे हो या वर्ड पे काम कर रहे हो, क्लियर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर अपीयरेंस, तो हर चीज़ कंटेंट क्लियर हो, घिचपिच ना हो, बिल्कुल अटैच नहीं हो, हर किसी को एक स्पेस मिले सांस लेने के लिए। तो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ भाई, सांस लेने दो उसको, उसको उसको करीब वरीब नहीं कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम देखेंगे अपने ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, हम बेसिकली क्या क्या कर रहे होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें वीडियो में मैंने बताई थी, लेकिन आज अब थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग को अगर मैं फोकस करूँ अपने पास, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
अपनी लर्निंग जर्नल में आता हूँ। जो पहला टॉपिक चाहे होगा वो हमारे पास गेस्ट स्टार्टिंग विद वर्ड होगा। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम टोरिंग विंडोज़ करेंगे, टोरिंग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी करेंगे, इंटरफेस की, कि सब जो चीज़ें आ रही हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास। फिर अगर मैं दोबारा चला हूँ तो नेविगेटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर मूव अराउंड कैसे किया है, उसके तमाम मेथड इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप आगे चले हैं तो क्रिएटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट और शेयर करने के तरीके क्या होते हैं, शेयर यहाँ से भी है, फाइल में जाके भी है, शेयरिंग क्लाउड पे शेयरिंग करनी है आपको, ईमेल के थ्रू करनी है, और भी मेथड है, उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चले हैं तो क्रिएटिंग के बाद जो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कितनी टाइप्स होती हैं सबको देखेंगे। इसके अलावा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के तमाम तरीके, और सबसे जो लॉन्गेस्ट जो है पोर्शन हमारे पास वो दो टॉपिक आएंगे, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। इसमें अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए बनाने के वक्त और एडिट करते वक्त, तो अगर मैं अपनी वर्ड में चलाऊँ तो ये टॉपिक में बहुत कुछ है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग्स वगैरह, ये लेआउट वगैरह, डिज़ाइन टैब वगैरह, ये सारी चीज़ें जो तो इस पोर्शन के अंदर जो है ना वो आपके पास आ जाएंगी। अगेनली फिर मूव करता हूँ अपने सेशन के अंदर, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से ये सारी चीज़ें आप देखिएगा सब इसके अंदर आ जाएंगी। फिर ग्राफिकल एलिमेंट तो बहुत ही बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के डेप्थ में बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं इसको बताने से पहले कुछ चीज़ें और भी बता दूं आपको, कि ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल है, इतना फ़ायदा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्पेशलिस्ट के पेपर देना चाहते हैं कुछ कंटेंट को बता के, ऑलमोस्ट उससे कई गुना ज़्यादा इसमें बताया गया है। बल्कि वर्ड एक्सपर्ट का पेपर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसकी भी कुछ कंटेंट हमने इसके अंदर आपको बताए, और बताते वक्त ये बताया भी कि भाई ये एक्सपर्ट में आते हैं पेपर में, तो जो लोग मुझसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं पेपरों के हवाले से वो भी मुझसे पूछिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने पास ग्राफिकल एलिमेंट के, ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो ग्राफिकल एलिमेंट की मैं बात करता हूँ तो वर्ड के अंदर जो हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर जो एलिस्ट्रेशंस हैं हमारे पास जो हैं, और इसके अलावा अदर जो चीज़ें टेक्सिंग के हवाले से, और स्क्रीन शॉट्स हो गया, शेप्स हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, पिक्चर्स, टेबल्स, ये तमाम चीज़ें, कवर पेज वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। कंटेंट के अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है, कंटेंट, सॉरी, कंटेंट मुख्तलिफ किस्म के डालने हैं, और कंटेंट कोई भी हो सकता है, तो उसकी वैरायटी जो है ना वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अगेनली गोइंग बैक टू इन आवर डॉक्यूमेंट, के कॉलिब्रेशन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, कि ये बल्कि वक्त की ज़रूरत बढ़ गई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे कॉलिब्रेट कैसे करते हैं। कॉलिब्रेशन कम्युनिकेशन की दुनिया याद रखिएगा, तो आपकी नहीं सिर्फ वर्ड नहीं बल्कि और भी बहुत सारे टूल्स जिनकी मदद से आप कॉलिब्रेशन कम्युनिकेशन करते हैं वो आपको आने चाहिए। तो कॉलिब्रेशन करने के लिए अगर मैं वर्ड में जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जिनको हमें यहाँ पे देखना होता है। कि अगर मैं रिव्यू में चले आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास ट्रैकिंग्स चीज़ें आ रही हैं, और कॉलिब्रेशन की चीज़ें आ रही हैं, कंपेयर्स आ रही हैं, सेप्ट आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। इवन के मैं ये कमेंट्स डाल सकता हूँ, कमेंट्स के ऊपर मल्टीपल लोग काम करना चाहें एक ही डॉक्यूमेंट पे, इन शॉर्ट हम कहते हैं कॉलिब्रेशन टीम वर्क ही नहीं है। अगर मुझे एक ही डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल लोगों के साथ काम करना होता है तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से आगे इस्तेमाल करना पड़ती हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम रेफरेंस में आ जाएँ, हवाला डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस हवाला देना है, तो हवाला देने के लिए TOC हमारे पास जो है, कैप्शंस हैं, टेबल ऑफ फिगर्स टाइप की चीज़ें, इन चीज़ों को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यही नहीं बल्कि जो भी चीज़ें जो होंगी वो हम देखेंगे, जैसे कि व्यू के सारा टाइप, डॉक्यूमेंट की व्यू के हवाले से, इन शॉर्ट का अगर हम देखें तो सिर्फ रिव्यूज़ और रेफरेंस में से चंद चीज़ों को हटा के और मेलिंग की चीज़ों को हटा के हम ऑलमोस्ट सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट में पढ़ाई जाती हैं। और रिव्यू और मेलिंग में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑब्वियसली के जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं या कॉलिब्रेशन पे काम करते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा हमारे पास के कैसे हमें वर्ड के इंटरफेस को एक्सप्लोर करना और कैसे डॉक्यूमेंट के ना नेविगेट करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि कोई भी चीज़ पूछनी है आप वीडियो के नीचे कमेंट करें,
और आप डिसलाइक करें लाइक करें, आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी करें, इट्स योर राइट। लेकिन मेरी नहीं है, एज अ ट्रेनर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी आप कमेंट्स करें और सवाल करें, और कमेंट से भी ज़्यादा कि आप मुझसे ईमेल करके प्रॉपर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से शेयरिंग करना चाहते हैं। हमारा आपका साथ सिर्फ इस वीडियो तक नहीं है बल्कि आगे तक रहेगा। इस वीडियो के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी आप मेरे लिस्ट में आ गए, आप जब भी मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। ये काफ़ी लोग मुझे नेट पर जानते भी हैं। ओके, थैंक यू।